अब इस बच्चे से ना डील हो रही थी हमारी कि ये बच्चा दे दे और ड्रोन ले दे, करोगे डील? बच्चा मान लेगा, चलो ठीक है। दोबारा नहीं कभी इंजेक्ट। सुबह सुबह ही शादी की हरकतें शुरू हो गई हैं। और रात को मैं लौटा था 4 बजे और देर से सोया था। देर से सोने की वजह से मुझे ये कुछ हुआ है अंदर से, ये गाना बना हुआ और ये सूझ रहा है अभी, अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। मास्क पहनना पड़ जाएगा आज मुझे, जरूरी हो जाएगा क्योंकि अजीब सा लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ। रात को काफ़ी देर से हम लौटे थे, बड़ी देर मेहंदी चलती रही थी, इधर हरकतें चल रही शादी की। ना भाई गिर जाओगे आप। आज दूसरा दिन है शादी को, मैं रात को नहीं आके मिल पाता, तो जब मैं सुबह जाता हूँ तो भी ये सोया जाता है, लेकिन आज दूसरा दिन है मुझे मिला। बहुत हैप्पी आज तो ना जाओ जाओ उतर नहीं उधर जाना। रात को मैंने बैटरी चाय लगा दी थी। तो अभी का सीन कुछ ये है कि मैंने जाना है बसऊ वाला, यहाँ पे नज़दीकी तकरीबन यहाँ से 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो मैंने वहाँ पे बारात रेंट करनी है ड्रोन के साथ, और वहाँ जो बसऊ वाला वो एक्सप्लोर करना है आज। विजिट भी वहाँ पे है मेरा, छोटा सा टूर मतलब वो है, मैं वहाँ पे आपको विजिट कराऊँगा। और रात को जब मेहंदी की थी, असद भाई और शहरयार भाई वहाँ पे जाएंगे और वो मेहंदी अटेंड करेंगे, सॉरी बारात अटेंड करेंगे आज। तो पहले उन्हें छोड़ना है फिर वहाँ पर जाना है। तो अभी सीन कुछ ये है कि अभी नहाना भी है, चेंज भी करना है और नाश्ता भी करना है। तो मैंने लगा दी थी बैटरियाँ यहाँ पे चार्ज, ये LED की बैटरी, ये दोनों कैमरे की बैटरी और अडाप्टर, लिहाजा ये फुल बैटरियाँ चार्ज हो चुकी हैं। तो जब हम वापस लौटे थे तो आते वक्त हमें मिली थी शादी वाले घर से पीनियाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हैं वो पीनियाँ, अभी इन्हें खोलते हैं क्योंकि ये शादी की भी और उम्मे अमन की फेवरेट है। तेरी फेवरेट है? नहीं सच्ची खाओगे? अच्छा अच्छा ठीक है तेरी फेवरेट है भाई, तेरी फेवरेट है ना, तो इसे ओपन तो करो, मेरे कार से ओपन ही होती। ये देखिए जनाब, बस रुक जाओ। ये हैं जी पिनिया, इस पे ये सौगी लगी हुई है, यानी कि जिसे कोकोनट कहते हैं, और क्या गरी गरी गरी, ये कोकोनट है और ये सौगी है, किशमिश जिसे कहते हैं, किशमिश ये वाली। तो ये देखो दो तो गए, अब ये तीसरा भी जाएगा। ये देखो लगा हुआ है पहले से, गंदा बच्चा ना करो। चल पारी वाला बाय बाय करो, पारी वाला बाय बाय करो। विलेज में शादियों पे सबसे बड़ी सौगात जो होती है ना वो ये पिनियाँ होती हैं। तकरीबन ये ही चीज़ें रह गई हैं, अब नहीं लोग बनाते, लेकिन देहातों में अभी बनती हैं, बहुत कमाल की होती हैं, मतलब बहुत अच्छी टेस्टी मज़ेदार होती हैं। ये मिठाई से बढ़ कर ज़्यादा अच्छी मतलब होती हैं, शहर से आने वाले अक्सर लोग मैंने नोट किए हैं वो ज़्यादा ये चीज़ें खाते हैं, मिठाई को तरजीह नहीं देते क्योंकि मिठाई ऑलरेडी खा रहे होते हैं, तो ये खाते हैं। ये सूजी में घी मिक्स करके और इस तरह काफ़ी सारे मतलब इसमें करके ना बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी लेवल की होती है माशाल्लाह, बड़ी मज़ेदार होती है। अभी नाश्ता तो नहीं किया, लेकिन ये चेक करते हैं कि कैसी हैं। शादी ने तो चेक कर लिया ना, इसलिए हाथ साफ हो रहे हैं। तो हम ले लेते हैं पहले थोड़ी सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये टुकड़ा लिया है जिसमें ये कोकोनट भी शामिल है, तो खाते हैं फिर। बहुत कमाल की बनी है पिनिया। पिनिया कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी कमाल है, देसी घी में बनी है और मजा आ गया। गाइस अब वो दिन आ गए हैं जिसने नहाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ठंड लगती है, तो ठंडा पानी होता है तो नहाया जाता है, लेकिन अभी नहाना तो पड़ेगा ही, हर हालत में नहाना पड़ेगा। तो अभी चल के नहाते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। तैयारी हमारी मुकम्मल हो गई, अब कहते हैं नाश्ता, नाश्ते में बना हुआ है आज दाल और रोटी, तो अब नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर निकलते हैं अपने काम पे। हाय शादी भाई, खेलते हैं चेक करो, खुडे में बढ़ना है ना, जाना खुडे में ना भाई, आज ख़राब हो जाएंगे। आज पिछली रात का सीन मैं बताता हूँ कि हम जब महफल से वापस आए थे तकरीबन रात की 3:30 बज चुके थे, तो हमने शॉप खोली थी और शॉप खोलने के बाद हमने सामान अंदर रखा था, तो अभी खड़े ही थे शॉप पे तो पुलिस आ गई थी। तो हमने कहा जी हाँ जी कौन है आप, कहाँ से हैं, किस तरह क्यों खोली है, मालिक हैं तो नंबर बताओ, नंबर बताया, नाम बताया,
अपना मोटरसाइकिल का नंबर बताओ। हाँ सब बता दिया। फिर कहते हैं मोटरसाइकिल चोरी की आपकी, इसकी मोटरसाइकिल पकड़ो थान ले चलो। अजीब कानून है यार वो, ले गए। फिर हम वहाँ पे वेट करते रहे, मैंने असद को फिर पैदल घर छोड़ा उसके, जाके वापस जा पाया तो फिर रहे थे वही चौक में, तो सोच रहे थे कि इसे बाइक दूँ और पैसे ले, मतलब इस तरह कुछ होगा सीन वाट। तो फिर मिले, फिर कहा, तो पहरेदार ने कहा था कि हाँ मैंने शॉप खुलवाई थी, तो उन्होंने कहा जी आपकी ये कुछ हो जाता तो चोरी हो जाती, इनकी कुछ हो जाता तो आप जिम्मेदार रहते। तो पहरेदार कहने लगा रात को कौन आएगा आप 3:30 बजे, आपने ही मोटरसाइकिल चुरा ली उनकी, उठा ली बिला वजह, ना कोई वजह, ना कोई, सब नंबर भी लगा हुआ है, सब कुछ है, तो लिहाजा उन्होंने बाइक हमें वापस दे ही दी काफ़ी दिक्कत के बाद। लेकिन ये अजीब कानून है यार, चलो छोड़ो दफ़ा मारो इन्हें। लेकिन हम चलते हैं अभी नाश्ता करते हैं और चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट पे। आ जाओ बेटा चलना है अपने सर, आ जाओ। इसने दूसरी दफ़ा नाक क्यों चेंज कर ली है? मैं एक दफ़ा ना आया हूँ, ठंड लग रही थी, लेकिन दो दफ़ा ये बहादुर बच्चा है ना गंदा बच्चा ये। गाइस फाइनल तैयारी तो हमने कर ली है, लेकिन एक और सीन क्रिएट हो गया क्योंकि बच्चों को लेके जाना है मार्केट में, वहाँ से कुछ काम है, ख़ास काम है, और उन्हें इंजेक्शन लगवाना है बेगम साहबा को, क्योंकि उन्हें हाथ में पेन है। तो तैयारी मेरी मुकम्मल है, लेकिन इन्हें मार्केट से लेके वापस छोड़ना है, फिर असद को शहर यार को छोड़ना है साथ मल्ला स्कीम में, फिर बच्चों को स्कूल से लेके घर छोड़ना है, और फिर मुझे जाना है आगे। तो काफ़ी सारे काम है, तो कोई मसला नहीं, खैर है, हाँ तो कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ये कह रहा मुझे मैं और अली के पास जाना है, तो यही चलते हैं फिर इसे। चले इस साइड पर जाओ, ये सामान हम रख देते हैं मोटरसाइकिल के आगे, क्योंकि ये बड़ा ख़ास है, बस गिर ना जाए। हाँ जी रेडी, आ जाओ भाई चलें बेगम साहबा। रात को जो हमारे साथ बीती थी ना, हम बुला नहीं पा रहे, जब भी हमारे सामने पुलिस आती है ना तो थोड़ी सी उलझन सी होती है, मतलब ये लोग डर्टी हैं, मतलब बुरे से हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यार। मेरी अपील कौन सुनेगा, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हजरात हैं पुलिस वाले, मेरी बंदी क्या करें यार, आप इंसान हैं, आपने भी अगले जहान अल्लाह को मुंह दिखाना है ना, तो क्या बनेगा फिर वहाँ पे? थोड़े से वैसे खातर किसी को दिल करना कोई इतना अच्छा काम तो नहीं है ना। प्लीज़ यार मेहरबानी किया करें, किसी पर रहम किया करें, तर्स किया करें। हाँ तो बस ये मेरा मैसेज था, प्लीज़ इस पर अमल करें, तो आपका फ़ायदा है, नहीं करेंगे तुम कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमारी तो जैसी वैसी गुजरी जाएगी, लेकिन जलील करके जाना यहाँ से सुकून नहीं मिलेगा, बस इतना ही। इस जगह से हम लेंगे मैथिक बाल का दो इंजेक्शन, क्योंकि हमें ज़रूरत थी। दो मैथिक बाल ठीक है दे दो। हम अस्पताल में आ गए थे और इंजेक्शन भी हम वहाँ से लेके आए थे, एक शॉप से नहीं मिला था, दूसरी शॉप से मैं मिल गया था, तो अभी भाईजान से मिले हैं। भाईजान एक वाकफकार है हमारे अस्पताल में, सारे वाकफकार हैं माशाल्लाह जाने वाले, तो उन्होंने सिंज दिया और नर्सिंग रूम में, मतलब वो इंजेक्शन लगवाने के लिए अभी उन्होंने मैसेज दे दिया, तो अभी वो इंजेक्शन लगवा देंगे, तो उसके बाद हम वापस चले जाएँगे। अब हम जा रहे थे मतलब बेगम साहब की मेडिसिन लेके, उसे इंजेक्शन लगा के शादी कर रहा जी पापा मुझे इंजेक्शन लगाओ, तो मैंने सच्ची में इसे लगवाना आज, क्योंकि इससे एलर्जी थी थोड़ी सी, तो भाई मोहम्मद अरशद, तो अब इसे इंजेक्शन लगवाते हैं और देखते हैं आज रियल में लगेगा, पहले फेक लगता था, आज इसे रियल में लगाएंगे, देखते हैं क्या इसके इंप्रेशन होते हैं। शादी आ जाओ वहाँ पे लेटो, वहाँ पे लेटो, इधर देखा दोबारा नहीं कभी इंजेक्शन लगवाना। गाइज वापस हम आ गए थे इंजेक्शन लगवा के, शादी मिसेस को जब इंजेक्शन लगा तो शादी कहता मुझे भी इंजेक्शन लगाओ, तो फिर उसे भी इंजेक्शन लगाया था और ना रोने लग गया था, बहुत ज़्यादा रोया था, तो वापस आ गए थे सबको और शायद यार भाई को आज इस जगह ये शूट करेंगे, तो इन्हें यहाँ पे छोड़ दिया है, तो मैं आगे का सफ़र करूँगा। अभी हमें कार आई थी एक रॉन्ग नंबर से और कुछ नई ऑफर दे रहे थे। कैसे उनमें अमन कैसी है बढ़िया? सुनो मेरी बात, आपका प्लान, हाँ जी पिनी लेके आए इनके लिए, हाँ पिनी रात को आई थी खा लेना। बात सुनो, प्लान ये हो रहा है कि आप और आपकी मम्मा और साथी, मतलब तीनों चारों आप जाओगे बस पे अपनी नानी के पास, ठीक है, और अपने मम को तंग नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ काम पे, तो आप बस पे जाओगे, बस पे वहाँ पर उतर जाना, आगे भाई आपको ले लेगा, मतलब आपके मामा आपको ले लेंगे, ठीक है। तो बच्चों को स्कूल मैंने छोड़ दिया, स्कूल से लेके छोड़ दिया घर में,
तो लिहाजा आप निकलते हैं अपने मेन जर्नी की जानब। तो लेट्स ओके, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, बाय बाय। चलो ध्यान से सुन, आसान लिखना, जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है, ओके माज भाई, सादी भाई, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय करो, बाय बाय। गाइस फाइनल में पहुंच आया था छप्पन डी में, और सबसे पहले मेरा था भाई लाल से, जो कि यहाँ पे कैमरा मैन और मिल के कवरेज करने वाले हैं। हेलो कर दोगे? हेलो, थैंक यू भाई। तो पहुंच चुके हैं छप्पन डी ना, छवंजा डी, 56 डी है ना, ये गवर्नमेंट के चक्के हैं ना ज़्यादातर। हाँ, तो यहाँ पे पहुंच आए थे अभी, काफ़ी सारी देर थी, लेकिन उससे पहले वलीमा चालू है, अभी खाना खाने चलते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो कवरेज होगी। और ये इलाका कुछ इस तरह का है, यहाँ पे नाला गुजर रहा है पानी, ये मतलब नहर वाला होगा ना, रेज दा पानी, और सड़कों पे जानवर बांधे हुए हैं, काफ़ी खुशहाल इलाका है, मतलब बिल्कुल साफ सड़कें, इतनी साफ की हुई नहीं है लेकिन बनी हुई साफ है। और इसी घर में हमने जो कवरेज करनी है, और ये भी जानवर बांधे हुए हैं। कल जिस जगह आया हो ना, ये छंडा ठीक है, लेकिन हमने खाना खा लिया और बारात की अब तैयारी कर लिया। ये जिस जगह मैं ठहरा हूँ ये आपको बोल देता हूँ, ये छोटा सा रूम है जिस जगह हमने स्टे किया हुआ है, ये चार पहियाँ पड़ी हैं और कुछ इस तरह ऊपर सीलिंग वगैरह की हुई है, पंखे लगे हुए हैं, और सिर्फ सामने बात आ गया। और ये काफ़ी खूबसूरत रूम है, अभी इंतज़ार किया जा रहा है, सिर अपन जल्दी से बल बढ़ा देगा, और फिर जो गाँव का टच होगा वो मैं आपको दूँगा। अब इस बच्चे से ना डील हो रही थी हमारी कि ये बच्चा दे दे और ड्रोन ले ले, करोगे डील? बच्चा मान रहा, चलो ठीक है। हेलो, क्यूट है ना। वैसे यहाँ का काम जो हमारा था वो मुकम्मल हो गया, काफ़ी मुश्किल था ड्रोन उड़ाना, यहाँ पे धूल काफ़ी थी, मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब कवरेज हम जिसके करना चाहते थे वहाँ पे मिट्टी काफ़ी सारी थी। ये बच्चे सारे ड्रोन देखने के लिए गैदर हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो ड्रोन मैंने पैकअप कर लिया, तो भाईजान सारे जो अंदर खाना खा रहे हैं, और लाल भाई जो हैं वो कवरेज करेंगे, तो फिलहाल मुझे इजाज़त मिल गई है, तो वापस की का सफ़र इख्तियार करते हैं और पहुँचते हैं पाँच मरला में असल भाई के पास। तो गाइस वापस पहुँच आए हैं अपने घर में, मैं वहाँ से चक बसाऊ वाले से, वो छप्पन डी से डायरेक्ट निकला था, और मैं पहुंचा था घर में, घर में मैंने कुछ चेंज किया था क्योंकि उस पेंट को तो देखने वाला था, मतलब ना इतनी मट्टी थी, इतना रोड ख़राब था, जिसकी वजह से ना सारा पेंट ख़राब, कपड़े ख़राब, बाल ख़राब, क्योंकि आज मैंने हेलमेट पहना था, हेलमेट मेरा यहीं पर आ गया था, मुझे याद नहीं था, मैंने सिर्फ ऐनक लगाई हुई थी, रात को
ऐनक ब्लैक शीशे वाली ऐनक थी, नज़र भी नहीं आता था, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने चेंज किया। फिर मैं पहुंचा था असद भाई के पास। हाँ, आज मेरी बेगम साहबा साथ में बच्चे गए थे अपनी नानी के पास, वो बस में सवार हुए थे, वहाँ से उन्होंने ले लिया था। वो भी अच्छा हुआ कि उन्होंने खुद मतलब छोटा सा जो सफ़र था इजीली तय कर लिया खुद, वो परेशानी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। फिर मैं असद भाई के भाईजान के पास और शहरयार के पास पहुँचा था, वो भी फिट थे, सही काम का चल रहा था। तो फिर मैंने मतलब हमने काम किया, काफ़ी अच्छे तरीके से काम मुकम्मल हुआ हमारा, लेकिन हमारे साथ बुरा हुआ कि हमारे बाइक पंचर हो गई, लेकिन नज़दीक ही था पंचर वाला, बहुत अच्छा हुआ। देख लो ऐसा भी कभी होता है, रॉन्ग भी हुआ और राइट भी कमाल हो गया। तो पंचर लगवाया, पंचर लगवाने के बाद वापस आए, असद को गाय छोड़ा, शॉप पे नहीं गया आज, उनको ज़रूरत नहीं थी कोई सामान उठाने की, जो भी सामान चाहिए था वो हमारे पास था। शहरयार और मैं आ रहे थे रास्ते में, तो हमारे साथ एक बहुत बुरा सीन होने वाला था कि हम बातें करते आ रहे थे, शहरयार ने ऐसे हाथ किया, साथ में डॉगी था, डॉगी उठा और काटने शुरू कर दिया, मतलब भागा हुआ काटने के लिए। डॉगी ने समझा कि मुझे मारने लगा है और शहरयार ने समझा कि डॉगी मेरा हाथ चबाने वाला है, तो मतलब वो भी डर गया, डॉगी भी डर गया। मैं सीन देख रहा था, मैं बाइक चला रहा, और बाद में हमें मतलब कुछ भूख थी, हमने एक लेमन जूस पिया था, मज़ा आ गया जूस पी के, कमाल का जूस था। और उसके बाद शहरयार को घर छोड़ा, मैं घर पहुँचा हूँ, और अब करते हैं व्लॉग एडिटिंग और फिर सोते हैं। तो ये थी हमारी आज की टूटी फूटी सी वीडियो, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके साथ में वो घंटी भी लाजमी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।